अस्सलाम दोस्तों, वेलकम टू फॉर जॉब्स पंजाब। दोस्तों आज की नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद में अनाउंस होने वाले जॉब्स के बारे में। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आजाद गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद में अप्लाई करने का क्या तरीकाकार है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एजुकेशन होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, हर चीज पर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। सो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों ने वीडियो को जरूर देखना है, एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो वीडियो की जाने पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारे आने वाले इसी तरह के लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंच सके। तो चलते हैं हमारी वेबसाइट जॉब पाकिस्तान पर। आप लोगों ने गूगल पे आ जाना है। यहाँ पर आप लोगों ने हमारी वेबसाइट जॉब पाकिस्तान का ये लिंक सर्च करना है। हमारी वेबसाइट जॉब पाकिस्तान का ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कर्सर को हम थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। जॉब्स अवेलेबल एट कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद जॉब्स 2023 जॉब एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद जॉब्स 2023 जॉब्स पाकिस्तान लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट। दिस जॉब नोटिफिकेशन इज पब्लिश्ड इन द नेशनल न्यूज़पेपर ऑन 14 अप्रैल 2023 को ये वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जो डिटेल की बात करें तो इसमें जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है मिडिल मैट्रिक इंटरमीडिएट बीए एमए बैचलर्स एमएस इसमें क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। जॉब लोकेशन जो है वो मुजफ्फराबाद आजाद जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान इसमें जॉब लोकेशन रिक्वायर्ड है। लास्ट डेट अप्लाई की 15 मई 2023 की अप्लाई करने की लास्ट डेट है। अगर आप लोग सिलेक्ट हो जाते हैं कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद में जॉब्स के लिए तो आपको जो सैलरी पैकेज है 40,000 से लेकर 84,000 तक अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है। अप्लाई का तरीका कार ये है कि आप लोग जो हमारी ही वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे तो अपलोड डॉक्यूमेंट का लिंक लगा हुआ है, यहाँ से आप लोग क्लिक करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब एडवर्टाइजमेंट रीड कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, सीरियल नंबर फर्स्ट पर जो है लेक्चरर बायोलॉजी की पोस्ट है, बीपीएस 17 स्केल की जॉब है, एज लिमिट इसमें 18 से 35 साल है, एमएससी एमए इसमें सेकंड बीएम के साथ रिक्वायर्ड है क्वालिफिकेशन में। इसी तरह हेड क्लर्क की पोस्ट है, बीपीएस 16 स्केल की जॉब है, इसमें 18 से 35 साल एज लिमिट है, इसमें बीएससी बीए रिक्वायर्ड है सेकंड बीएम के साथ। मैस ऑफिसर की जॉब है, 22 से 35 साल एज लिमिट है, इसमें बीएससी बीए क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन की जॉब है, 21 से 35 साल एज लिमिट है, इसमें एमएससी सेकंड बीएम के साथ रिक्वायर्ड है। सीनियर क्लर्क की जॉब है, 18 से 35 साल एज लिमिट है, इसमें बीएससी बीए रिक्वायर्ड है। डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, 18 से 35 साल एज लिमिट है, इसमें भी बीए बीएससी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है सेकंड बीएम के साथ। जूनियर क्लर्क की जॉब है, 18 से 35 साल एज लिमिट है, इसमें भी बीएससी बीए रिक्वायर्ड है सेकंड बीएम के साथ। देन इसके अलावा हेल्थ टेक्नीशियन की जॉब है, 18 से 35 साल एज लिमिट है, इसमें एफएससी रिक्वायर्ड है प्री मेडिकल के साथ एंड सेकंड बीएम के साथ। इसके अलावा इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, इसमें जो है वो मैट्रिक के बाद जो है वो आफ्टर 5 ईयर इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और देन इसके अलावा इसमें डिप्लोमा रिक्वायर्ड है डीए का। इसके अलावा जो है वो लाइब्रेरी क्लर्क की जॉब है, 18 से 35 साल एज लिमिट है, इसमें बीए बीएससी रिक्वायर्ड है। मौजन की जॉब है, इसमें खादिम की जॉब है, इसमें एफए एफएससी की रिक्वायर्ड है। देन इसके अलावा हाफिज़े कुरान का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैथ्स असिस्टेंट की जॉब है, 18 से 35 साल एज लिमिट है, एफए एफएससी इसमें रिक्वायर्ड है। लैब असिस्टेंट की जॉब है, 18 से 35 साल एज लिमिट है, एफएससी प्री मेडिकल इसमें होनी चाहिए। इसी तरह लैब अटेंडेंट की जॉब है, इसमें एफएससी रिक्वायर्ड है। ड्राइवर की जॉब है, 18 से 35 साल एज लिमिट है, इसमें मैट्रिक रिक्वायर्ड है प्लस 5 से 10 ईयर इसमें रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेड कुक की जॉब है, 18 से 35 साल एज लिमिट है, इसमें मिडिल पास प्लस 5 ईयर रिलेवेंट फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिक्योरिटी इंचार्ज की जॉब है, 21 से 35 साल इसमें एज लिमिट है। वेटर की जॉब है, सो इसके अलावा नैब के सब की जॉब है, इसमें जो है इन सब में जो है वो मिडिल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, देन रिलेटेड फील्ड एक्सपीरियंस इसमें भी रिक्वायर्ड है। गार्डनर की जॉब है, बीपीएस 1 स्केल की जॉब है, 18 से 35 साल एज लिमिट है, मिडिल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है प्लस एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। सेंट्री वर्कर की जॉब है, इसमें मिडिल रिक्वायर्ड है, देन इसमें भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो समझ आ गई होगी, कौन कौन सी जॉब्स हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, स्केल क्या है, हर चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग जो है कैडेट कॉलेज मुजफ्फराबाद की ऑफिशियल वेबसाइट का विजिट भी कर सकते हैं, देन हमारी वेबसाइट जॉब पाकिस्तान का भी विजिट कर सकते हैं। इसी तरह के लेटेस्ट जॉब के नोटिफिकेशन के लिए आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा आप लोग हमें हमारे ट्विटर पर लिंक्डइन पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इजाजत दीजिए, मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।